प्यारे विद्यार्थियों, गत वीडियो में हमने भारत के संदर्भ में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक भारत में भारतीयों में उत्पन्न राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। परंपरागत भारतीय इतिहास लेखकों ने यह बताया है कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई उसके पीछे अंग्रेजी प्रशासकों के द्वारा बनाई गई संस्थान, अवसर और साधनों के द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का परिणाम है। कुछ अंग्रेजी इतिहासकार जैसे कि सर जॉन सीले ये बताते हैं कि भारत तो केवल एक भौगोलिक इकाई मात्र है, यहाँ राष्ट्रीय एकता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंदर भारतीय लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती जाती है। अब इसके पीछे बहुत से कारण हमें नजर आते हैं और हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ उसके पीछे कुछ अंश में तत्कालीन जो विश्व था उसमें उभरता हुआ जो राष्ट्रवाद व आत्मनिर्णय की भावना तथा कुछ अंश में 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उससे भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी तथा कुछ अंशों में जो भारतीय भारत के ऊपर जो अंग्रेजी प्रशासकों के द्वारा जो औपनिवेशिक नीतियां लागू की गई थी उसके परिणाम स्वरूप भी कहीं न कहीं भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। अब हम भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी उसके कारणों का एक एक करके वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अंग्रेजी राज का प्रभाव। 1757 ईस्वी के बाद में धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सैनिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या बौद्धिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया। इन आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग से कई प्रभाव उत्पन्न हुए, उसमें से एक प्रभाव था भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपना। अब दूसरा कारण की हम बात करते हैं तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है राजनीतिक एकता। हमने देखा कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता है और जो केंद्रीकृत शासन था वो धीरे धीरे प्रादेशिक शासन में बदलता जा रहा था। लेकिन 1757 ईस्वी के बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में विस्तार होता गया और एक बड़े भूभाग पर, या हम कह सकते हैं कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में खैबर दर्रा तक संपूर्ण साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। तो काफी समय के बाद में इस देश में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति का शासन था जो पूरे देश पर शासन कर रहा था। तो एक जैसा राजनीतिक साम्राज्य स्थापित होने से इस देश में एक राजनीतिक एकता स्थापित हुई, पूरे देश के अंदर सभी लोगों के ऊपर एक जैसे कानून स्थापित हुए, सभी लोगों की एक जैसी समस्याएं थी। तो यह जो राजनीतिक एकता थी उसने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के अंदर मानसिक एकता भी पैदा की और कहीं ना कहीं उनके मन में एक राष्ट्र का एक चित्र खींचा और उन्हें लगने लगा कि हमारी जो ये भौगोलिक इकाई है उसके अंदर रहने वाले समस्त जो भारतीय हैं उन सबके समान समस्याएं, समान इनके समान नियमों से बंधे हुए हैं और कैसे इस अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करके इसको, इस भारत देश को कैसे स्वतंत्र कराना है। इस तरीके से उनमें इस देश की राजनीतिक एकता के फलस्वरूप भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी।